Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. This is Ramiz, faculty Abhimanyu IAS. Hope you are fine and doing well, and your preparation for Civil Services 2022 has been going very good. आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और आप खूब जोरों शोरों से मेहनत कर रहे होंगे. तो आपके लिए द पीपल हु हैज बीन इनटू द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स और हु हैज बीन वेटिंग ईगरली फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ 2022, तो यूपीएससी ने 2 तारीख को कल ही नोटिफिकेशन अपनी निकाल दी है 2022 की प्रॉब्लम्स की. और एज वी नो कि सिविल सर्विसेज एक साल पहले ही अपनी पूरी एग्जाम कैलेंडर निकाल देता है, तो 5 जून को सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर होना है. द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन द 5th of June 2022. सो फॉर दैट एग्जामिनेशन द नोटिफिकेशन हैज बीन आउट. आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है दैट इज 22nd of February, 22 तारीख तक लास्ट डेट है, शाम 6 बजे तक की. तो उसी के रिगार्डिंग ये एक वीडियो हम आपके पास लेके आए ताकि आपको नोटिफिकेशन के बारे में, अगर आपको पता नहीं चला है तो आप कुछ चीज़ें आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले और कुछ डिटेल्स है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है. वैसे तो हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो हमें आइडिया होता है, और टू बी वेरी फ्रैंक यूपीएससी की जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो सबसे सिंपल है इन जक्सटापोजिशन विद अदर प्रोसेस ऑफ द अदर पीसीएस एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन जो भी बोले. सिविल सर्विसेज की प्रोसेस बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ परेशानी इसमें नहीं होती. बट देर आर फ्यू क्वेश्चन दैट हैज टू बी डेल्ट विथ, उन चीजों को समझना है. जैसे कि एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि सर मैंने लास्ट ईयर फॉर्म तो भरा था पर फॉर्म पेपर में बैठे नहीं थे, क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? तो इन दैट केस कुछ चीजें हैं, यूपीएससी क्लियरली अपनी नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन करती है, वो सारी चीजें हम देख लेंगे. ठीक है, तो आइए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन नंबर 522 CSP. और कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमें देखना है, किसके अटेम्प्ट कितने हैं, किसकी एज रिलैक्सेशन कितनी होती है. यहाँ पे एस्पायरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे और उसे फिर आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा. कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, क्या एलिजिबिलिटी है ये एक्चुअली दिस एग्जामिनेशन हमें मालूम है, दिस बीइंग ये DOPT है जो इसकी रिक्रूटमेंट करती है और सिविल सर्विसेज UPSC के द्वारा कमीशन के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है. तो इट इज़ अंडर DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, सिविल सर्विसेज के साइट में जाइएगा, साइट पर जाने के बाद वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन और वो प्रोसेस है. ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं, दैट इज नो इशू विद दैट. लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एज आई टोल्ड यू, लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 22nd February. 22 फरवरी इज द लास्ट डेट, ध्यान रखना है, शाम के 6 बजे तक. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. कुछ कुछ चीजें जो फॉर्म नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है हम उन चीजों को देखेंगे, तो ध्यान रखना है लास्ट डेट 22nd February है. पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, एज वी नो वन थर्ड रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी होती है दोनों पेपर, पेपर वन पे भी पेपर टू पे भी. ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत करोगे आपके 1 सही क्वेश्चन का मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है, फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स, यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन किया है, अगर आप इफ यू वॉन्ट टू विजिट इन पर्सन यू हैव टू गो टू दिल्ली. ये उन्होंने यहाँ पे दिया है कि हाँ आपको यहाँ पे आना है, कहाँ पे आना है, गेट नंबर C. और अगर फ़ोन करना चाहते हैं तो ये सारे कुछ फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप यहाँ से फ़ोन करके पूछ सकते हो. ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स बैंड, ये एग्जामिनेशन सेंटर पे फ़ोन वगैरह जो भी है कुछ भी, ये हमेशा नोटिफिकेशन में आती हैं, ये चीज़ें हम कैरी नहीं कर सकते अपने साथ. उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये पोस्ट है जिसके इसकी रिक्रूटमेंट होगी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ऑडिट एंड अकाउंट्स, सिविल्स अकाउंट, कॉर्पोरेट डिफेंस अकाउंट, ये सारे सर्विसेज हैं जिसपे रिक्रूटमेंट होनी है, पोस्ट है सारी जिसपे रिक्रूटमेंट होनी है.
अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए यहाँ पे है, दैट इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज, दैट इज 861, एंड दिस 861 विल इंक्लूड 34 वैकेंसीज फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इंक्लूडिंग 861 के अंदर 34 ये इंक्लूडेड है। तो अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो लास्ट ईयर से 60-65 सीट्स बढ़ाई गई, लास्ट ईयर से 60 सीट्स अप्रॉक्सीमेटली 60-65 सीट्स बढ़ाई गई है, बढ़ी है सीट्स, ठीक है, 60 सीटें बढ़ी है। तो यहाँ पे 861 विल इंक्लूड 34 वैकेंसीज फॉर द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनमें से सीट्स रिजर्व्ड भी हैं, किसके किसके लिए रिजर्व्ड होंगी, शेड्यूल कास्ट, SCs, STs, OBCs, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये इनके लिए रिजर्वेशंस है, सीट्स रिजर्व्ड होंगी, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन टोटली उनकी है कि कहाँ पे कितनी किस हिसाब से रिजर्वेशन वो देते हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता, कुछ हर साल चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अस, ये एक्चुअली वो लिस्ट है, अ लिस्ट ऑफ सर्विस आइडेंटिफाइड, मतलब किस तरह की, कौन से सर्विसेज में जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज या डिसेबिलिटीज हैं, कौन से सर्विसेज के लिए वो एलिजिबल हैं। जैसे वो आईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको आईपीएस नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको आईएएस मिलेगा, और यहाँ पे दूसरे सर्विसेज मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको आईपीएस नहीं मिलेगा, फील्ड जॉब है, ग्राउंड वर्क है, तो वहाँ पे इनकी नहीं है। तो यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है कि हाँ कौन से पर्सन की डिसेबिलिटीज कितनी होनी चाहिए, क्या अब फिजिकल क्या क्या क्लियर, फिजिकल क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें बाद में काम आता है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज सेंटर्स कहां कहां पे होंगे। देखिए, ये दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन किया है कि इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपने जो सेंटर भरा है वहीं पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और साथ ही साथ कोविड का टाइम है, तो उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है, इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ यूपीएससी, जरूरी नहीं है कि आपने जहां पे सेंटर भरा है वहीं पे आपको मिले, यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन में है, वो चाहेंगे तो सेंटर बदलेंगे अकॉर्डिंग टू द इफ द सिचुएशन अराइजेस। सो और एक सिस्टम ये भी है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला वो हिसाब यहां पे है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो सेंटर भरा है वही आपको मिले, ठीक है, और जहां पर एग्जामिनेशन होनी है। और इस हम अभी देखते हैं कि प्रीलिम्स के भी सेंटर्स को भरा भी जाता है, मेंस के भी सेंटर को भरा जाता है, तो सेंटर फॉर मेंस जो है वो भी यहां पे मेंशन है कहां कहां पे मेंस एग्जामिनेशन होगी। देखिए, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जो पहले अप्लाई करेगा उसे ही पहले जल्दी मिलेगा। तो इसलिए माई एडवाइस टू यू, अगर आप चाह रहे हो कि आपके मनपसंद कि आपके चुनिंदा सेंटर पर आपके एग्जामिनेशन हो, यू थिंक इफ यू वॉन्ट सेंटर ऑफ योर चॉइस, यू विल हैव टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। द मोमेंट द सेंटर्स वैकेंसीज आर गेटिंग फिल्ड, तो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मैंशन किया फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान रखना है। देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग द अफोर्सेड प्रोविजन, द कमीशन रिजर्व द राइट टू चेंज द सेंटर्स एट इट्स डिस्क्रिशन इफ सिचुएशन डिमांड्स, क्लियरली मेंशन कर दिया, ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी है वो करेगा, दैट इज मैंडेटरी, नो, इट इज डिस्क्रिशन, वो करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लें इफ यू आर रियली विलिंग टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन ये तो हम जानते हैं, प्रीलिम्स मेंस फिर इंटरव्यूज, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, नॉट वच इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एज लिमिट, ये थोड़ा हम इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को एस्पायरेंट्स को रहता है। देखिए, सीधी सी बात है, 21 साल जब तक नहीं हो सकता तब तक आप नहीं दे सकते हो, और लास्ट 32 ईयर्स ऑन फर्स्ट ऑफ अगस्त 2022, दैट इज अगस्त तक
आप 32 ईयर्स, मतलब अगस्त से पहले, अगर अगस्त के बाद, अगर अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद अगर आप की पैदाइश है, फिर डेट ऑफ बर्थ अगस्त के बाद है, तो आप एलिजिबल हो उसी साल, उसी साल की मैं बात कर रहा हूँ। ये 32 ईयर्स आपका हो रहा है तो कब हो रहा है? 32 ईयर्स क्या अगस्त के बाद हो रहा है? अगस्त के बाद हो रहा है तो यू आर एलिजिबल। अगस्त से पहले हो रहा है, 1 अगस्त से पहले अगर हो रहा है या 1 अगस्त तक हो रहा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन जिस ईयर आपका 32 ईयर हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमें यहां मालूम है कि एससी, एसटीज और ओबीसीज को एज रिलैक्सेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोई भी किसी तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो क्या है, 5 ईयर्स इफ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू एससी और एसटी, 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, मतलब 32 + 5 37 ईयर्स एससी एसटी, अप टू 3 ईयर्स अदर बैकवर्ड क्लासेस हुआ एलिजिबल टू, मतलब 3 ईयर्स ओबीसी के लिए तो 32 और 3 35, उनके 35 ईयर्स हो, ठीक है। तो ये है, तो 32, 35, 37 ये एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए भी है। और एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे ओपन से कर रहे हैं, चाहे कहीं से कर रहे हैं, बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ग्रेजुएशन। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहां पे देखना है कि जनरल कैंडिडेट्स की जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो है 6, ओबीसी के हैं 9 एंड एससी एसटी के हैं अनलिमिटेड है, उनकी एज लिमिट है 37, ठीक है, लिमिट नहीं है कुछ, बस ध्यान रखना है। यहां पे देखिए इस चीज को, इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एससी एसटी अनलिमिटेड, बस एज कितना हो गया 37, ओबीसीज 9, एज लिमिट कितना हो गया 35, और ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है। और यहां पे अगर हम जनरल की बात करें तो 32 ईयर्स और 6 अटेम्प्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। ये रजिस्ट्रेशन पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है फर्स्ट पेज में सब कुछ। फीस के बारे में याद दिया हुआ, फीस है, फीस फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल एससी एसटी पर्सन विद फीमेल जो भी, उनकी फी, उनके लिए फी एग्जेम्प्टेड है, आर रिक्वायर्ड ऑफ बाकी लेस, उनके जो बाकी जो लोग हैं उनको 100 रुपये फी पे करना है, ठीक है। एज वी नो यूपीएससी की फी भी बहुत कम होती है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमने देखा है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, हाउ टू अप्लाई, ये यूपीएससी के साइट्स में जाके हम अप्लाई करेंगे इसे, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कि आपका अटेम्प्ट क्या हुआ, अगर आपने पेपर में बैठे हो कि नहीं बैठे हो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन 22nd कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, जिन्हें यह लग रहा है कि हाँ आपने फॉर्म भरा था लास्ट ईयर, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अपने फॉर्म भर दिया पर आप एग्जामिनेशन में बैठे नहीं थे, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर एग्जामिनेशन में नहीं बैठे हो तो योर अटेम्प्ट विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरा और आप नहीं बैठे हो, दोनों पेपर में नहीं बैठे हो, अगर आप किसी एक में भी बैठे हो तो योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड, ठीक है, वो काउंट हो जाएगा।
ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर आप नहीं बैठे हो एग्जामिनेशन में तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर आप बैठ गए हो किसी एक पेपर में भी तो योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। ठीक है, तो दैट्स ऑल वी गॉट फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ यूनियन सिविल सर्विसेज 2022 प्रीलिम्स। होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी फाइन, आप अच्छे से पढ़ रहे हो एंड इट्स टाइम टू पुल अप योर सॉक्स एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।